सो गुड इवनिंग एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 4C फैक्टर, 4Cs टू गेट सक्सेस इन करियर, स्पेशली द आर्म फोर्सेस एस्पिरेंट्स। जो लोग SSB के लिए अभी जाने वाले हैं, अब उनको क्या चीज ध्यान रखनी है, ये 4C होते क्या है? क्लैरिटी, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस। इफ यू ऐड दीज 4C टू योर ऑब्जेक्टिव्स, आई कैन अश्योर यू कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली पा सकते हैं। क्रिएटिंग द लाइफ एंड करियर सक्सेस यू वॉन्ट एंड डिजर्व ए सिंपल कॉमन सेंस। अगर आप बहुत ओवर रिएक्ट ना करें तो चीजें बहुत हद तक आपके लिए आसान रहती हैं। ज्यादातर यंगस्टर्स जो होते हैं वो ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी। जिनके पास एक अच्छा कॉमन सेंस है वो अपने मकसद को सही दिशा में चल करके अच्छे ढंग से पा सकते हैं। द टारगेट्स आर नॉट वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल नहीं है। SSB सबसे आसान टेस्ट होता है। जितने लोग ये कहते हैं कि SSB बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, वो सिर्फ डराने का काम है। SSB से आसान कोई टेस्ट नहीं होता है। इट इज बेसिकली टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट यू नीड टू डू इट इन अ राइट वे। आप सही तरीके से काम करें तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं आपके लिए। हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ की टेक्निक सीखने की कोशिश करते हैं। कभी GTO की टेक्निक सीखनी है, कभी इंटरव्यू की टेक्निक, उनके जवाब जानना चाहते हैं, कभी हम साइकोलॉजी टेस्ट में ये जानना चाहते हैं कि कैसी स्टोरी लिख दें, कैसे वर्ड्स का सेंटेंस लिख दें। ये टेक्निक्स हैं, बट SSB इज नॉट टेस्ट ऑफ योर टेक्निक्स। SSB इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर बिहेवियर। सो लेट्स फोकस ऑन दीज 4Cs फर्स्ट। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल। नाउ लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक, वॉट दीज 4Cs आर। सी, वन थिंग इज वेरी क्लियर, डायमंड्स आर नॉट मेड, हीरा कभी बनाया नहीं जाता है, हीरा हमेशा तराशा जाता है। बनाया क्या जाता है? ग्लास, कांच बनाई जा सकती है, लेकिन हीरा नहीं बनाया जा सकता। सो डोंट ट्राई टू ओवर रिएक्ट टू योर गोल्स, डोंट जनरेट ओवर स्ट्रेस। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। आप सिर्फ अपने आप को तराश लीजिए, आप हीरा बन जाएंगे। आप बनने चले जाते हैं तो शायद दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं। नाउ द फर्स्ट सी वॉज क्लैरिटी, द पर्पस एंड डायरेक्शन फॉर योर लाइफ एंड करियर शुड बी क्लियर। आपका मकसद बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब रीजंस ना हो क्लियर, हमारे पास कारण ना हो कि हम ये काम क्यों करना चाहते हैं, तो शायद हमारा जो टारगेट होता है वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। क्लैरिटी किस तरीके से जनरेट करें अपने अंदर? क्रिएट क्लैरिटी बाय फिगरिंग आउट व्हाट सक्सेस मींस टू यू पर्सनली। आप सक्सेस को ओवरऑल दुनिया के नजरिए से देखना चाहते हैं, आप पहले यह तय करिए कि आपके लिए पर्सनली सक्सेस क्या मायने रखती है लाइफ में। सेकेंड इज क्रिएट क्लैरिटी बाय क्रिएटिंग अ विविड मेंटल इमेज ऑफ योर सेल्फ एज अ सक्सेस। यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, फर्स्ट एक अपने दिमाग में अपनी खुद की एक इमेज बनाइए कि आप जब ऑफिसर बनेंगे, आप यूनिफॉर्म में खड़े होंगे तो आप किस तरीके से लगेंगे। आपकी अपनी इमेज, जिस दिन आप यूनिफॉर्म में तैयार करते हो उस दिन से आपका डिटर्मिनेशन अपने आप बढ़ने लग जाता है। क्रिएट क्लैरिटी बाय डिटरमाइनिंग योर पर्सनल वैल्यूज। आप अपनी पर्सनल वैल्यूज पर ध्यान दीजिए। अपने आप को खोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को तराशने की जरूरत है और अपनी पर्सनल वैल्यूज को खुद पहचानिए। सेकेंड सी इज
कमिटमेंट फॉर टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड करियर। आप सबके पीछे भागते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तय करते हैं कि मेरा क्या योगदान है इसके अंदर, मैं कितना इसके आगे जाने वाला हूं। तो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करिए। होता क्या है, आप तैयारी करने जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि तैयारी करना बुरी चीज है, आगे चीजें आएंगी, मेंटरशिप बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद जब आप खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रह जाते हैं, आप कहीं भी तैयारी करने चले जाएं, आप कहीं कोचिंग कर लीजिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, 24 घंटे आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई ऐसी एकेडमी नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा मेंटर नहीं है जो आपको 24 घंटे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेगा। आप किसी की ऑब्जर्वेशन में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 4 घंटे 6 घंटे तक रह सकते हैं, ना इससे ज्यादा कोई आपको एक स्ट्रेच में पढ़ा सकता है, ना कोई आपको सिखा सकता है, ना आप पढ़ सकते हैं 6 घंटे से ज्यादा, आप बोर हो जाएंगे और फिर स्ट्रेस में चले जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, 24 घंटे में से 6 घंटे या 4 घंटे आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ हैं, आप किसी मेंटर के साथ हैं, आप किसी कोच के साथ हैं, यह निर्धारित नहीं करेगा आपकी सफलता। सफलता कैसे निर्धारित होगी, जब आप बचे हुए 18 और 20 घंटे उस सीखे हुए काम के सप्लीमेंट करेंगे, जब आप उसमें इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे उस बचे हुए 18 से 20 घंटे के लिए, देन ओनली यू कैन बी कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योरसेल्फ। हाउ यू कैन बी फाइंडिंग दिस थिंग, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड करियर सक्सेस। आप अपनी सफलता के लिए पहले अपनी खुद की जवाबदारियां तय करिए, अपने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करिए। टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेटिंग एंड अचीविंग हाई गोल्स। अपनी मकसद को, अच्छा मकसद पाना है लाइफ में, बड़ा मकसद पाना है, ये अंदर से पहले फील करिए। देखिए होता क्या है, जितने लोग डर के काम करेंगे वो जनरली सफल नहीं हो पाते हैं। द पर्पज ऑफ योर लाइफ शुड नॉट बी सक्सेस और फेल्योर, द पर्पज शुड बी वेरी सिंपल, टू प्रूव योर एग्जिस्टेंस टू दिस सोसाइटी। आप जहां खड़े हो, जिस काम में हो, आप सिर्फ अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व साबित करें समाज को, देश को, दुनिया को। दैट शुड बी द पर्पज ऑफ योर वर्क। सक्सेस और फेल्योर बहुत दूर की चीज होती है, अपने आप सफलता आपको मिलेगी। आप बहुत सारे मानक ऐसे तय कर लेते हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, खुद स्ट्रेस में जाना शुरू कर देते हैं। सो अपने आप को बड़ा बनता हुआ देखें, पहले अपनी इमेज तैयार करें। सेट हाई गोल्स इन योर लाइफ, एंड अगेन देर आर टू वेज टू लिव योर लाइफ। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हो सकते हैं आपके पास। एक, अगर मकसद ऊंचा रखें तो छलांग लगाने की हिम्मत रखें, फिर यह हौसला आपके अंदर होना चाहिए। और अगर आप छलांग लगाने से डरते हैं तो मकसद उतना ऊंचा ना बनाएं, फिर मकसद को इतना नीचे ले आइए कि आपको छलांग लगाने की जरूरत ना पड़े, आप वैसे ही पा लेंगे मकसद को। बट सिंस यू ऑल आर डिफेंस एस्पिरेंट, यू ऑल आर लुकिंग फॉर अ करियर इन आर्म फोर्सेज एज अ कमीशन ऑफिसर, मकसद ऊंचा है तो छलांग भी लगाने की हिम्मत रखनी होगी। टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय चूजिंग टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू द पीपल एंड इवेंट इन लाइफ, स्पेशली द नेगेटिव वन। पॉजिटिव्स के साथ तो हम हमेशा पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो चीजें हमारी सहूलियत के अनुसार होती हैं, हम बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं वहां पर। लेकिन जब नेगेटिव्स आते हैं आपकी लाइफ में, दैट इज कॉल्ड लाइवलीनेस। द ट्रू लाइवलीनेस इज व्हाट, यू आर ह्यूमन बीइंग। अगर आप चलेंगे आप गिरेंगे, गिरना बुरा नहीं है लाइफ में, लेकिन खड़े होना सीखना बहुत जरूरी है। आप 10 बार गिरेंगे, 11 बार खड़े होंगे। दैट शुड बी द पर्पस। आप नेगेटिव सिचुएशंस में, नेगेटिव लोगों के बीच में किस तरीके से पॉजिटिव रह सकते हैं,
ये सीखिए पहले। थर्ड सी इज कॉन्फिडेंस, बिल्ड अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डगमगाना नहीं चाहिए। आज आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, कल कुछ चीजें आपके मुताबिक नहीं हुई, आप फिर लो सेल्फ एस्टीम में चले गए, फिर डरने लग गए। ये फ्लक्चुएशन आपके काम नहीं आएगी। अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बाय चूजिंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक। कितनी भी चीजें खराब हो जाएं, पहले तो ऑप्टिमिस्टिक रहना सीखिए कि यस आई कैन डू इट, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आगे का रास्ता देखो। पीछे जो हो गया है, सफल कौन होगा? अ पर्सन हु इज हैविंग फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इन हिज लाइफ, जो बार बार अपने पास्ट को रिकॉल करता है। पास्ट में आपने क्या अचीव किया, क्या छोड़ा है, वो बीत गया है, दैट इज नॉट इन योर हैंड। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो पास्ट में किसी ने कुछ पा लिया तो उसके खुशी में, उसके घमंड में ज्यादा जीने लग जाते हैं। आगे कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और दूसरे जो पीछे कुछ हार के चले आए हैं, वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड होकर के आते हैं, वो आगे मकसद के लिए काम कर ही नहीं सकते हैं। सो रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बाय फेसिंग योर फियर्स एंड चैलेंजेस। आप अपने डर और अपने चैलेंजेस से लड़ना सीखिए पहले। जो चीज नहीं आती है वो करनी पड़ेगी, ना बोल के काम नहीं चल सकता, गिव अप कर देते हैं लोग। आप अपने ही डर से नहीं लड़ पा रहे हैं, कैसे एसएसबी या आर्म फोर्सेस ये विश्वास करें? जब कोई यंगस्टर ये कहता है कि जी मुझे लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या और कोई कमी बता दी, ठीक है कमियां हैं सभी के अंदर, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन जब आप अपने फियर्स से, अपने डर से नहीं लड़ पाते हैं। एक यंगस्टर जो अपने डर से नहीं लड़ पा रहा है, जो अपने चैलेंजेस से नहीं लड़ पा रहा है, जो खुद से नहीं लड़ सकता है, वो देश के लिए कैसे लड़ेगा? सवाल तो ये भी खड़ा होगा कल। तो पहले आप अपने डर से लड़ना सीखिए। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बाय सराउंडिंग योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। हमेशा खुश मिजाजी बहुत बड़ी चीज है। आप खुश रहना जानते हैं, आप दुनिया में खुशी बांटेंगे। आप खुद स्ट्रेस्ड हैं, आप दुनिया में स्ट्रेस बांटेंगे। सो यू शुड मेक योर सराउंडिंग दैट वे। आप खुश लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों की संगत ना करें, उन लोगों के साथ रहिए जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हो। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बाय फाइंडिंग अ मेंटर टू हेल्प टू क्रिएट योर सक्सेस। एक अच्छा मार्गदर्शक चुने, टीचर ना चुने। एसएसबी के लिए मेंटर जरूरी है, एसएसबी के लिए टीचर की जरूरत नहीं है। टीचर आपके पास 12 साल 15 साल स्कूल कॉलेज जब तक जाकर के आए थे तब तक थे आपके साथ, लेकिन आज आपको जरूरत है एक मेंटर की। तो एक अच्छा मेंटर तलाशिए और उनसे चीजें सीखिए, पढ़िए मत। जिसने एसएसबी पढ़ी है वो कभी रिकमेंड नहीं हो पाएगा। एसएसबी इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड। आप सीखे क्या है उससे, आप किसी से भी सीख लीजिए, आप किसी से भी पढ़ करके चले जाइए, आप उनकी तरह रिएक्ट करेंगे, आई कैन अश्योर यू आप फिर भी रिकमेंड नहीं होंगे। यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड द इंडिविजुअल Who guided you was a different personality. अगर आप उन्हीं के पीछे भागने लग जाएंगे तो आप manipulated personality count किए जाएंगे। So हमेशा कोशिश करो कि आप SSB सीखें। जो भी mentor आप चुनते हैं उनसे सीखने के बाद खुद को कैसे involve करते हैं उसी काम में, That is more important in SSB. Build your confidence by sharing your knowledge and wisdom through mentoring others. दूसरों को सिखाइए। ज्ञान वही होता है जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की बात आप करते हैं, बेसिक चीजों की। लोग 96-97% लोग पढ़ाई सिर्फ नंबर पाने के लिए करते हैं। आप जब भी कोई चीज पढ़िए तो हमेशा एक चीज समझिए, आपको तभी वो चीज आई है जब आप दूसरों को
सिखा सकते हैं। यह आपके दिमाग में चलना चाहिए कि क्या मैं इस चीज को अब दूसरे 10 लोगों को सिखा सकता हूं। अगर आप उस लेवल पर हां कह सकते हैं अपने आप से, तब मानिए कि आपने वो चीज सीख ली है, अदरवाइज सिर्फ आपने पढ़ी और रटी है वो चीज। तो सीखने का पर्पज यह होना चाहिए कि मैं अपने इस नॉलेज को क्या शेयर कर सकता हूं दूसरों लोगों के साथ। और जितना आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, जितना आप अपनी सीखी हुई चीजों को शेयर करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लास्ट वन इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटिटिव रहना सीखिए लाइफ में, लड़ना सीखिए, साबित करना सीखिए। हम सिर्फ पढ़ना सीख पाते हैं, हम टेक्निक्स ढूंढते रहते हैं। अपने आप को साबित करिए, रिमेन कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहले तो अपने ऊपर विश्वास करिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टेप्स, सेल्फ ट्रेनिंग फॉर असेंशियल पर्सनल स्किल्स। ये कोई सिखाता नहीं है आपको, ये खुद सीखना होता है। आपका आउटलुक कैसा है, आप खड़े कैसे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी शारीरिक भाषा, आप ग्रुप में कैसा बिहेव करते हैं, आप सोच कैसी रखते हैं, आप अपनी सोच को शेयर कैसे करते हैं, ये सब चीजें आएंगी जब आप अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं। बिकम कॉम्पिटेंट बाय बीइंग अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मर्स। जो परफॉर्म कर रहा है उसको देखिए, ये कोई अच्छा व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है। कोई आपके ग्रुप में, इर्द गिर्द सराउंडिंग में कोई व्यक्ति अगर आपको अच्छा लगता है, तो फिर अपने अंदर से ये जज्बा लाइए कि मैं इनकी तरह क्यों नहीं बन सकता हूं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। अभी एनसीसी एंट्री चल रही है। अब एनसीसी एंट्री के जब कैंडिडेट्स आते हैं एसएसबी के अंदर, और उनकी जब बातचीत का लहजा बहुत अच्छा नहीं होता है, व्हेन अ कैंडिडेट हु इज स्टिल इन स्ट्रेस के सर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद लैंग्वेज, नाउ व्हाट इज सीन देयर। आप एनसीसी करके आ रहे हैं, ए सर्टिफिकेट से सी सर्टिफिकेट तक अगर आप जाते हैं तो कम से कम 4 साल या 5 साल आपको लगेंगे। हम सिर्फ कॉलेज लाइफ से भी मान लेते हैं, बी और सी सर्टिफिकेट लेकर के अगर आप आ रहे हैं तो भी आप मान के चलिए आपने 3 साल एनसीसी की है और इसी एंट्री के बेसिस पर आप एसएसबी में आ रहे हैं। क्यों नहीं उस कैंडिडेट ने पहले दिन अपने कमांडिंग ऑफिसर को देखा? उसे तो वो 3 साल मौका मिला। He had seen his commanding officer standing in front of him. उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा होगा, और जब अंदर से ये उन्होंने तय किया कि मुझे ऑफिसर बनना है, तो क्यों ना मैं इनकी तरह बनूं, इनकी तरह खड़ा होना सीखूं, इनकी तरह बात करना सीखूं, इनकी तरह कॉन्फिडेंट रहना सीखूं। 3 साल में ऐसा कुछ भी नहीं सीखा उन्होंने, और लास्ट में उसी एंट्री में आ रहे हैं। बिकम कॉम्पिटेंट बाय बीइंग डायनेमिक कम्युनिकेटर। यू शुड हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। यू नीड टू बी वेरी मच कंफर्टेबल विद योर लैंग्वेज। योर कम्युनिकेशन स्किल शुड बी गुड इनफ। अनलेस योर कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गुड इनफ, यू कैन नॉट शेयर योर आइडियाज। आपके पास नॉलेज होगी भी तो आप उसको शेयर किससे करोगे और कैसे करोगे, जब तक आप कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रखते हैं तो। बिकम कॉम्पिटेंट बाय बीइंग क्लियर एंड कॉम्प्रेस्ड। ओवर इलेबोरेटिव ना हो जाएं। जब आप अपनी बात लोगों से शेयर करें तो मुद्दे की बात करें, कॉम्प्रेस्ड होकर के बात करें और क्लियर रहें अपने पॉइंट्स को लेकर के। जगह तभी बना पाएंगे आप ग्रुप के अंदर। बिकम कॉम्पिटेंट बाय बीइंग ऑडिबल टू अदर पीपल। यू नीड टू बी क्लियर विद योर आइडियाज एंड यू नीड टू बी ऑडिबल। अगर आप को लोग सुन नहीं पा रहे हैं, यू आर अ वेरी स्लो स्पीकर, आप खुद से ही बातें कर रहे हैं, तो फिर ग्रुप में कैसे आप समझा पाएंगे लोगों को अपनी बात। सो यू नीड टू बी ऑडिबल। बिकम कॉम्पिटेंट बाय बीइंग अ नॉलेजेबल पर्सन। समवन्स जनरल अवेयरनेस शुड बी गुड इनफ। व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू, यू शुड नो। अगर आपको दिए हुए काम की जानकारी नहीं है, जो भी काम आपको दिया जाए अगर वो उसकी कोई जानकारी नहीं है आपको, तो आप कैसे कॉम्पिटिट करोगे दूसरे लोगों से, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं करना क्या है। सो यू शुड हैव गुड नॉलेज। बिकम कॉम्पिटेंट By being a good group member, good relationship building and not expecting too much in return. क्या होता है, हम उम्मीदें दूसरों से ज्यादा रखते हैं और अपना contribution हमेशा हमारा कम होता है। तो कोशिश ये किया करिए कि आप अपेक्षाएं रखना बंद कर दें लोगों से। अपने अंदर वो जज्बा जगाइए कि मैं लोगों के लिए काम करता हूं, लोगों से अपेक्षाएं नहीं रखता हूं, इन रिटर्न आप कुछ नहीं चाहते हैं, आपका क्या योगदान है आप वो करिए लोगों के साथ, और इससे आप ज्यादा कॉम्पिटेंट नजर आते हैं। बिकम कॉम्पिटेंट
by being a person who use conflicts to strengthen, not weaken. आप कहीं भी कॉम्पिटिट करेंगे तो जायज बात है कॉन्फ्लिक्ट होंगे, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लाइफ बहुत लंबी है. बट कुछ लोग होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को अपनी ताकत बना लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट से टूट जाते हैं. टूटना नहीं है, उसको ताकत बनाइए कि हाँ लोग अगर मुझसे सहमत नहीं हैं तो मैं इनको सहमत कैसे कराऊंगा. व्हाट आई कैन डू, आई कैन बी मोर लॉजिकल, आई कैन बी मोर कॉम्प्रेस्ड, आई कैन बी मोर ऑडिबल, आई कैन बी मोर नॉलेजेबल, बट कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ करके मैं टूटता नहीं हूं, आगे आने की कोशिश करता हूं. उसको अपनी ताकत बनाना सीखिए. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बिगिंस विद स्मार्ट गोल्स. देखो अभी जितनी सी की बात हमने की है उसका एक और एक एग्जांपल देता हूं बिफोर डिस्कसिंग ऑन टू दिस टॉपिक. कैप्टन विक्रम बत्रा व्हेन ही वाज अ यंग किड, तो बहुत समय पहले टेलीविजन पर एक सीरियल आता था परमवीर चक्र, और वो ऐसा टाइम था जब टेलीविजन सभी के घर में आसानी से होती नहीं थी. आई बिलीव शायद 3,000 रुपए के आसपास टेलीविजन खरीदी जाती थी ब्लैक एंड व्हाइट, और वो भी सबके घर में नहीं हो सकती थी. तो बहुत सारे लोग जो है पड़ोसियों के घर में या दूसरे घर में जाकर के टेलीविजन देखते थे. रामायण बड़ा सीरियल आता था उस समय सुबह 9 बजे, तो लोग जाकर के देखते थे दूसरों के घरों में. और रामायण के बाद एक और सीरियल आता था परमवीर चक्र. तो कैप्टन विक्रम बत्रा अपने भाई के साथ परमवीर चक्र सीरियल देखने जाते थे, और जिस समय वो देखते थे उस समय आई बिलीव 16 परमवीर चक्र दिए जा चुके थे उस समय तक. तो ये बहुत बड़ी अच्छी सी सीरीज थी, देवानंद साहब के बड़े जो भाई थे चेतन आनंद, उन्होंने बनाया था इस सीरियल को, और सारे बड़े बड़े स्टार्स ने इसमें रोल किया था. नसीरुद्दीन साहब, फारूक शेख साहब, पंकज धीर साहब, ऐसे बड़े एक्टर्स ने इसके अंदर रोल प्ले किए थे. सो जब भी ये उस सीरियल को देख करके लौट रहे होते थे तो विक्रम बत्रा हमेशा अपने भाई से कहते थे कि देख लेना एक दिन ये परमवीर चक्र मैं जरूर जीतूंगा. अ स्मॉल किट, ये है जज्बा अंदर से. किसको पता था कि आगे ये बात सच होने वाली है, और जब ये 16 से 21 होंगे तो एक नाम और जोड़ा जाएगा और वो उनका होगा. दिस इज व्हाट यू आर. Now, we were talking about smart goals. What smart means? Specific, measurable, achievable, result-oriented, and time-specified. Specific hona. Your goals should be targeted, not broad and general. Hum log kya karte hain? Ek general target bana lete hain. It should be specific. मुझे ये करना है और यही करना है. जिस दिन आप स्पेसिफिक होना सीख जाएंगे उस दिन आपका जो डिजायर है वो पैशन में बदलने लग जाएगी, आपका जुनून बन जाएगा. फिर आप पूरा दिन उसके अंदर जिएंगे, 4 या 6 घंटे की कोचिंग नहीं ढूंढेंगे. फिर आप मेजरेबल, यू शुड बी एबल टू टेल क्विकली एंड इजिली इफ यू हैव मेट योर गोल्स. डेवलप एंड सेट क्राइटेरिया that will be indicative of success or failure in meeting each of your goals. छोटे छोटे goals बनाना सीखिए. लोग long term objectives के ऊपर जाना चाहते हैं and they generally waste their time. When you are looking for long term objectives, तो उसके बीच में छोटे छोटे goals बना करके चलिए. एक एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करिए. Someone's communication is not good, तो भाई इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कमीशन रैंक, पहली जरूरत तो यही है कि आप कम्युनिकेशन ठीक करें. तो पहले अपने अंदर यह तय करिए कि मेरा कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए, इसके लिए मैंने काम करना है. फिर जल्दी रिकॉल करिए कि क्या मेरा यह मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ है. अगर यह मकसद पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मैं अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ नाइंसाफी कर रहा हूं. तो अपने दिए हुए समय के साथ यह तय करते जाइए कि ये इतने ये गोल मैंने पा लिया, ये गोल पा लिया. और जल्दी पता होना चाहिए आपको, आप शॉर्ट टर्म या इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स में ही आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपसे अपने आप बहुत दूर हो जाएंगे. अचीवेबल, सेट गोल्स दैट आर चैलेंजिंग
बट नॉट इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू अचीव. अ चैलेंजिंग गोल इज मोटिवेटिंग एंड एन इम्पॉसिबल वन इज डीमोटिवेटिंग. आपके टारगेट्स अचीवेबल होने चाहिए. ऐसा कोई मकसद मत चुने बहकावे में आकर के, दिखावे में आकर के, जो आपके दायरे से बाहर है. चैलेंजिंग है, बहुत अच्छी बात है. चैलेंजिंग जो टारगेट्स रखते हैं अपनी लाइफ में, वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो रोज एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे. क्योंकि मकसद मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं कर सकता हूं, उसके लिए मैं जी जान से लड़ूंगा, वो मेरी काबिलियत होगी, मैं मोटिवेटेड रहूंगा. और अगर मैंने ऐसा कोई टारगेट चुन लिया जो इम्पॉसिबल टाइप है, जो नहीं कर सकता हूं, अंदर से पता है लेकिन उसके बाद भी दिखावे में करे चले जा रहे हैं, वो आपको हर कदम पर डीमोटिवेट करता रहेगा. आपके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाऊंगा, गलत रास्ते पे आ गया, नहीं करना चाहिए था ये काम. ऐसे ख्याल जब आने लग जाएंगे, दिस इज साइन ऑफ डीमोटिवेशन. तो आप फिर बड़े बड़े मकसद कैसे अचीव करेंगे लाइफ में. रिजल्ट ओरिएंटेड, फोकस ऑन रिजल्ट्स, अवॉइड एक्टिविटी ट्रैप. क्या होता है, हम एक्टिविटी ट्रैप्स में ज्यादा फंस जाते हैं. इतनी हम लोगों को क्या क्या लगता है, एक्टिविटी करना ही हमारा मकसद था? नहीं, मंजिल पर पहुंचना मकसद था. आप जितनी ज्यादा एक्टिविटीज और ज्यादा एक्टिविटीज और ज्यादा एक्टिविटीज करते चले जाएंगे, उतना मंजिल आपसे दूर होती चली जाएगी. योर ऑब्जेक्टिव शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड. लुक फॉर अल्टीमेट रिजल्ट, कि हां जी यहां तक पहुंच पाऊंगा छोटे छोटे कदम रख करके या नहीं. अगर मैं सिर्फ एक्टिविटी करता जा रहा हूं तो फिर मैं अपने मकसद को, अपनी मंजिल को दूर कर रहा हूं कहीं ना कहीं. टाइम स्पेसिफाइड, सेट डेडलाइंस फॉर अचीविंग योर गोल्स. वेल प्लान्ड गोल्स कम विद टाइम लिमिट्स. देखो क्या होता है, जो भी काम आपने टाइम लिमिट के साथ किया है, और अगर आप प्लान्ड हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, तो वो आप समय के अंदर पा लेंगे. अगर आप अनप्लान्ड रास्ते से चलना शुरू करेंगे तो आप कभी भी टाइम लिमिट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स पा नहीं पाएंगे. और सबसे बड़ी चीज क्या होगी, जितना समय और जितनी ऊर्जा आपने उसके अंदर लगाई है, दैट वॉज वेस्टेड. सो डिसाइड अ टाइम लिमिट. दिस इज द टाइम लिमिट फॉर दिस ऑब्जेक्टिव एंड आई हैव टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव विद इन गिवन टाइम. ऑप्टिमिस्ट होना बहुत जरूरी है. बिकम अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. पॉजिटिव रहिए हमेशा. द बेसिस ऑफ एसएसबी और द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग रिकमेंडेड इनटू एसएसबी इज अ हैप्पी पर्सन, हैप्पी यंगस्टर, हेल्दी यंगस्टर, बोथ वेज, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, एंड पॉजिटिव. सिर्फ पॉजिटिव माहौल में खुश नहीं रहना है. जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों तब कितना पॉजिटिव रहते हैं, दैट इज ट्रू पॉजिटिविटी ऑफ अ यंगस्टर. सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल. बिलीव ऑन योरसेल्फ. सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास. और एक चीज बहुत कड़वी लगती है सुनने में, लेकिन बहुत सही भी है. एक यंगस्टर जो कभी खुद पे विश्वास नहीं कर सकता है, आई कैन अश्योर यू, उस पर दुनिया में कोई दूसरा विश्वास नहीं करेगा. और क्यों करे, अनलेस यू डोंट बिलीव ऑन योरसेल्फ, नो वन एल्स विल बिलीव ऑन यू. सो स्टार्ट बिलीविंग ऑन योरसेल्फ फर्स्ट. लुक फॉरवर्ड टू लीव योर फुटप्रिंट्स. दैट शुड बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ. इफ यू विजिटेड दिस वर्ल्ड, इफ यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन बींग, लीव योर फुटप्रिंट्स बिहाइंड. आप भीड़ की तरह आए और भीड़ की तरह चले जाओगे तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी टू प्रूव योर एग्जिस्टेंस टू दिस सोसाइटी. एंड अल्टीमेटली आर्म फोर्सेस गिव्स यू दिस. होता क्या है,
फौज एक ऐसी चीज है जो ये सब चीजें आपको देती है। जब एक आर्म फोर्सेस का कोई भी पर्सनल कहीं अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता है इस देश के लिए, तो पूरे देश को खबर होती है कि हाँ, एंड ही फुलफिल्ड हिज पर्पस ऑफ लाइफ, कि द पीपल हु लिव्स ऑन टू दिस मार्क विल डेफिनेटली बी रिमेम्बर्ड बाय द वर्ल्ड, बाय द नेशन forever. I will summarize today's video by golden lines written by Captain Anuj Nair's father. Captain Anuj Nair ke father ne ye shabd likhe the unke liye. My son, the soldier can never die. They are to do a job and then go to come back again. They just visit. They visited to do a job. They are for the nation. It is up to the nation to remember them. They never ask or look back. वो खुद कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, वो देश वालों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप हमें याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देशवासी उनको याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।